नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बजट स्टार्ट हो चुका है, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 11:10 पे और 11 बजे कहीं ना कहीं FM अपने स्पीच को स्टार्ट करते हुए दिखी है। एंड यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में और बजट में जो ये शुरुआती 10 मिनट में कुछ खास हुआ है वो आपके साथ बता दूं। तो एक गर्व की एक प्राउड की बात जरूर आती हुई है कि अब हम आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमी के हिसाब से वर्ल्ड में 5th नंबर पे आते हुए दिखे, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनती हुई दिखे। तो ये एक अर्थव्यवस्था के मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी अनाउंसमेंट आती हुई दिखी है, बड़ी चीज जो हमें अभी देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। यहां पे मैं अगर आपको निफ्टी का अपडेट दूं तो डेज हाई पे ट्रेड कर रही है, बैंक निफ्टी भी डेज हाई पे, काफी शानदार मूव है, मार्केट ब्रेथ बहुत पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट आपके सामने 1600 प्लस शेयर्स आज के सेशन में, इनफैक्ट 1650 शेयर्स अब पॉजिटिव हो गए हैं एनएससी पे, जिसके सामने केवल 380 शेयर्स ही नेगेटिव है, यानी एक गिरने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 4 शेयर्स से भी ज्यादा पॉजिटिव शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो सब कुछ आपको बढ़िया दिख रहा है, मीडिया सेक्टर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ये एक बड़ी अभी तक की चीज है जो देखने को मिली है वो आप सभी के साथ मैंने शेयर करी। अब आते हैं अदानी ग्रुप पे, ये कितना और गिरेंगे, कब तक गिरेंगे, अब तो कुछ फ्रेश न्यूज भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि ये मैक्सिमम ये वीक और चलेगी प्रॉब्लम और इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, कुछ फ्रेश खबर आएगी तो ठीक है। कल अदानी एंटरप्राइज का आपने धमाका देखा ही कि भाई FPO उन्होंने पूरा भरी दिया 20,000 करोड़ का, कैसे भी ना कैसे करके, पता नहीं कैसे कैसे करके विदेशों से पैसा आया, दुबई से पैसा आया, IHC से पैसा आया, पैसा ही पैसा आया, बट ठीक है लग गया, पूरा फिल हो गया। अदानी टोटल गैस आज फिर से 10% के लोअर सर्किट पे लग गया है। वैल्यूएशन मैंने आपको बताया थे कोई कंफर्ट नहीं देंगे, अभी भी आप ये मत सोचो कि 4000 वाला 1800-2000 रह गया, आप ये देखो अभी 400 प्लस के PE पे ट्रेड करता है, प्राइस टू अर्निंग पे 400 के मल्टीपल्स पे, बहुत महंगा होता है ये अदानी एंटरप्राइजेस। कल और एक से दो दिन तेजी दिखाने के बाद लोगों का भरोसा बना अदानी के ग्रुप के स्टॉक्स पे, लोग कह भी रहे थे कि वापस आएगा अगले 5 दिन में, FPO प्राइस के सरपास करेगा, बहुत ऊपर जाएगा, बट ऐसा कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं है। अगर कोई एक शार्प करेक्शन होती विदाउट रीजन होती तो डेफिनेटली आपकी बात ठीक हो सकती थी, बट ये एक प्रॉपर न्यूज, प्रॉपर रिपोर्ट और एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं केस तरीके का बन गया है और उसकी वजह से गिरावट है, और उस केस में जब तक कुछ अच्छा नहीं आ जाएगा, केस मीन्स रिपोर्ट, अब सेबी भी जांच कर रही है, तो ये सारी चीजों में जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं आएगा स्टॉक में मोमेंटम नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि स्टॉक के प्राइस को देखकर फ्रेश एंट्री एवरेजिंग मत करो या फिर एग्जिट मत करो, जब तक कोई फ्रेश खबर ना आए तब तक कुछ नहीं करना है, और खबर पॉजिटिव है तो लेना है, नेगेटिव है तो हल्की करनी है क्वांटिटी, सब नहीं बेचना है, हल्की करनी है क्वांटिटी, ठीक है। अदानी एंटरप्राइज 4.5% की गिरावट दिखा रहा है, अदानी ग्रीन्स फिर से आज लगभग 4.25% नीचे दिख रहा है आपको, अदानी पोर्ट्स में भी लगभग 1.5-2% की गिरावट है, अदानी विलमार एंड अदानी पावर आज आपके लिए सर्किट खोलते हुए दिखे थे कहीं ना कहीं, अभी मैं देखता हूं अदानी पावर में तो लोअर सर्किट ही दिख रहा है एंड अदानी विलमार ऊपर से नीचे जाता हुआ दिख रहा है, अभी 2.5% नीचे हो गया है, सुबह 488 का हाई लगा के अभी 455 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कितनी गिरावट हो सकती है, कितनी गिरावट नहीं हो सकती, कहां से तेजी बनेगी, ये पकड़ने की कोशिश बिल्कुल करो ही मत। एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने कल खरीदा 3000 देखा, किसी ने बेचा नहीं, बेचा आज फिर 2800 पे आ गया अदानी एंटरप्राइज 2820-50 पे, परसों 2700 का लो लगाया वहां से भी आपने खरीदा होगा तो भी अब आपको 1-2% मिल रहा है, आप 1-2% के लिए इतना बड़ा रिस्क लेके बैठ गए मेरे हिसाब से, वो एकदम गलत है। तो यहां आपको कोई फ्रेश करना ही नहीं है एंट्री या एग्जिट। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूं अदानी विलमार, अदानी पावर या अदानी टोटल गैस, तो बेच नहीं पा रहा हूं। हालांकि आप आज अदानी विलमार तो इजीली बेच पाओगे, लेकिन अदानी पावर या फिर अदानी टोटल गैस को बेचने की कोशिश करोगे नहीं बेच पाओगे। उसका रीजन है सर्किट, ये सर्किट का मतलब होता है कि लोअर सर्किट मीन्स सब सेलर है, यानी कि सब बेचने वाले हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो जब कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो आप बेचोगे किसे, इसलिए वो आपके शेयर्स बिकते नहीं है। अब वही बात करें अपोजिट अपर सर्किट की, तो सब बायर्स होते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं होता, तो आप अगर खरीदने की कोशिश करोगे तो आप ले नहीं पाओगे। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, हालांकि ये एक मतलब बेफिजूल की है बट बता रहा हूं, जैसे अदानी टोटल गैस कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट गिर रहा है, कुछ भी पॉजिटिव आता है और वापस अदानी ग्रुप के स्टॉक चलते हैं, तो ये सर्किट टू सर्किट चलेगा भी, आप खरीद भी नहीं पाओगे मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके चक्कर में आप अगर अभी खरीद लेते हो तो वो एक नेगेटिव डिसीजन हो जाएगा, गलत डिसीजन होगा। अभी इन स्टॉक्स को जिसके पास जितना है उतना रखें, उसी को संभालने की कोशिश करें, कोई भी फ्रेश नहीं करना चाहिए एंट्री या एग्जिट, मतलब बेचना भी नहीं है खरीदना भी नहीं है, ये इसलिए
जब कोई फ्रेश डेवलपमेंट आएगा तभी करना है। वैल्यूएशन वाइज और मैनिपुलेशन, ये दो केस थे। वैल्यूएशन वाइज कुछ स्टॉक कंफर्ट देने लगे अब, लाइक अदानी पावर और अदानी विलमार, लेकिन अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन अभी भी सस्ते नहीं ट्रेड करते। अदानी अदानी एंटरप्राइज की बात करूं तो अभी भी अराउंड 300 के पीई पे देखा था मैंने कल के सेशन में। अब आज की गिरावट के बाद आई थिंक थोड़ा नीचे आ गया होगा। मैं आपको एग्जैक्टली अब बता देता हूं कहां पे ट्रेड कर रहा है अदानी एंटरप्राइजेस। मैं यहां पे अभी मैंने सर्च नहीं करा अदानी एंटरप्राइजेस, जी हां अभी 249 के पीई पे है, 249 के पीई पे, और इंडस्ट्री का पीई 30 का है। अब आप देखिए कितना महंगा है उस सबके मुकाबले। तो अभी कहीं ना कहीं फॉल जो चल रहा है चलने दीजिए, अभी और गिरावट हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉटम बन गया या कुछ हो गया। इनफैक्ट चार्ट्स पे भी देखोगे तो आप जो प्रीवियस लो था उसको नीचे में ब्रेक करा है। बट मेरे को लगता है कि जब तक कुछ फ्रेश न्यूज नहीं आ जाती तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब एक चीज और बोलना चाहूंगा, कोल इंडिया को लेकर मेरे पास एक कमेंट है कि भाई कल आपने एक वीडियो बनाई थी कि तेजी आएगी, किस बेसिस पे बोलते हो, कोई तेजी नहीं आई। स्टॉक सुबह 228 तक गया था ओपन होने के बाद, एंड मेरा जो बेसिस था वो था रिजल्ट। रिजल्ट्स को देखते हुए जो मुझे दिख रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर करा। स्टॉक के प्राइस ने उसको अप्रिशिएट नहीं करा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं प्राइस को गेन बढ़ा सकता हूं। ठीक है, नंबर्स अच्छे थे, आप अगर नंबर्स पढ़ोगे तो आप भी कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं ढूंढ पाओगे। इनफैक्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन को टोटली बीट करा था। हर एक नंबर आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सेकंड थिंग, मैंने आपके साथ एनटीपीसी शेयर करा था 2 दिन पहले, वो भी नंबर के बेसिस पे ही करा था। 168-170 पे बाय कराया था 165 का स्टॉप लॉस से, 174-175 के टारगेट थे, आज टारगेट डन हो गया। टाटा पावर आपको उसी के साथ मैंने दो स्टॉक्स दे दिए, एनटीपीसी एक टाटा पावर, कल ही टारगेट डन हो गया। तो बेसिस सेम रहते हैं, कभी स्टॉक रिएक्ट करता है कभी नहीं करता है, तो इस तरीके कमेंट ना शोभा नहीं देते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।